हे हेलो दोस्तों, आज की वीडियो कमाल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आपको देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो एंड ई कॉमर्स बिजनेस से कैसे लाखों कमा सकते हो। क्या है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला? सबसे पहले हम ई कॉमर्स की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद कैसे ई कॉमर्स के बिजनेस को प्लान करा जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, कैसे आप वेबसाइट बना सकते हो, कैसे आप पेमेंट ऑप्शंस लगाओगे, कैसे लॉजिस्टिक पार्टनर्स ढूंढोगे और फाइनल करोगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे मार्केटिंग करी जाती है ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर पाओगे, या फिर किसी के साथ मिलकर शुरू कर सकते हो, या फिर आपको नॉलेज मिल जाएगी, टूल्स मिल जाएगी, आप किसी से, अपनी फैमिली से, किसी फ्रेंड से करवा सकते हो। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चीजों की, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग, खरीदना और बेचना। एक देसी एग्जांपल से शुरू करूंगा। पहले क्या होता था? पहले होती थी मैनुअल रिक्शा, जिसमें दिन भर रिक्शे वाले को मेहनत करनी पड़ती है, धूप है, गर्मी है, बारिश है, उसको रिक्शा चलानी है। उसके बाद दो लोग बैठ सकते हैं, सेफ्टी में भी इशू है, और कभी रिक्शा मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब रिक्शा के साथ ई लग गया, ई रिक्शा आ गई, जिसमें मोटर है, बैटरी है, चलाने वाले की मेहनत कम हो गई, उसको एक कवर मिल गया, धूप बारिश में भी वो कंपैरेटिवली सेफ हो गया। दो की जगह अब चार लोग बैठ सकते हैं, सेफ्टी और कंफर्ट ज्यादा, और ढूंढने की मुश्किल नहीं है, ऊबर से आप ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। तो रिक्शा के साथ ई लग गया, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जुड़ गया। इसी तरह से पहले बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन होते थे, राजू की दुकान से कपड़े ले आओ, छोटू की दुकान से लड्डू ले आओ। मुझे याद है अमृतसर में अमृतसरी छोले मसाला मिलता है, और मुझे बहुत पसंद था। जब भी लेने जाते थे, कभी घंटों खड़े होना पड़ता है, कभी पहुंचे और पता चला स्टॉक खत्म हो गया, कभी लाइन लगी होती थी। आज की डेट में मैं दिल्ली में घर बैठे ऑर्डर करता हूं, अगले दिन मेरे घर में अमृतसरी छोले मसाला आ जाता है। आज की डेट में बिजनेस टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं, और कंज्यूमर्स घर बैठे अपने फोन से प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क लग गया है। तो देखा जाए तो ई कॉमर्स सिर्फ एक करियर अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ई कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रेवोल्यूशन है। अब खुद सोचो, ऑफिस की ब्रेक के बीच में, बस की सीट पे बैठे हुए, बेडरूम पे बैठे हुए, वॉशरूम के पॉट पे बैठे हुए, आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑर्डर कर सकते हो। ना आपको भीड़ की टेंशन, ना आपको पेमेंट की टेंशन, ना छुट्टे की टेंशन, ऑनलाइन पेमेंट करी, अगले दिन प्रोडक्ट आपके घर पे। अब ये तो हमने ई कॉमर्स की बाहर की दुनिया को समझा, अब इसके पीछे छुपे बिजनेस की बात करें। अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप अपनी ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो, या आपका ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन लेके आना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए इसमें स्कोप कितना है, स्कोप है या नहीं है। 2020 के मुकाबले 2021 में ग्लोबली ई कॉमर्स जो है वो 77% ग्रो किया है। इंडिया में ये 51% की ग्रोथ रेट से हर साल बढ़ रहा है। और क्यों नहीं बढ़ेगा? ई कॉमर्स ना एक तरह से आपके लिए, जो आपकी वेबसाइट है, वो 24/7 24 घंटे सातों दिन आपके सेल्समैन की तरह, जो दिन रात आपके लिए काम कर रही है। आप सो रहे हो लेकिन लोग आपकी साइट पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आप घूम रहे हो लेकिन आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस चल रहा है। और एक फैक्ट आपको बता दूं कि 2040 तक 95% बिजनेस ऑनलाइन हो चुका होगा। इट मींस जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये एक्शन मूवमेंट है। आपको पता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझते हो, इसमें एक्शन लेते हो, तो फ्यूचर कैसा हो सकता है, कितनी इनकम जनरेट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, लोगों को जॉब्स दे सकते हो, इंपैक्ट बिल्ड कर सकते हो, एक पावरफुल बिजनेस बिल्ड करते हुए अपने और अपने साथ जुड़े लोगों के सपने पूरे कर सकते हो। तो ये है स्कोप। अगर आपको इसके स्कोप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो अगले चैप्टर पे चलते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को प्लान करना है। अब सबसे पहले आता है बिजनेस का प्लान, और बिजनेस का प्लान बनाने के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम क्या बेचना चाह रहे हैं। हम फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, जैसे कि हम कोई गारमेंट्स बेचना चाह रहे हैं, हैंकीज बेचना चाह रहे हैं, शूज बेचना चाह रहे हैं, मोबाइल की चार्जिंग वायर बेचना चाह रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट या वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट यानी डिजिटल प्रोडक्ट, कोई कोचिंग बेचना चाह रहे हैं, या फिर कोई ई बुक या कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहे हैं। कैसे अपना प्रोडक्ट डिसाइड करें? कुछ क्विक टिप्स आपको देता हूं। या तो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है कि भाई मेरा तो बिजनेस है, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं या बेचता हूं, तब तो सॉर्टेड है।
आप उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हो सकती है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, उस केस में आप किसी होलसेलर से बात कर सकते हो कि मेरा डिजिटल में इंटरेस्ट है, तेरे पास बिजनेस है, तेरे पास प्रोडक्ट्स है, डिजिटल साइड उसका ई कॉमर्स मैं करूंगा। या फिर आप अपने लोकल लेवल पे देख सकते हो आपके शहर का कोई हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है, कोई अचार बहुत फेमस है, कोई मसाले बहुत फेमस है, आपके शहर में उसका होलसेल है, आप उसको लेके डिजिटली बेच सकते हो। तीसरा तरीका हो सकता है कि कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे होते हैं, मार्केटिंग में अच्छे नहीं होते, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उनसे प्रोडक्ट लेके अपना लेबल लगा सकते हो जिसको व्हाइट लेबलिंग कहते हैं और आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस बनाने में अच्छे हैं और बहुत सारे बिजनेस बेचने में अच्छे हैं, इसको व्हाइट लेबलिंग कहते हैं, तो आप वो कर सकते हो। चौथा तरीका कि भाई मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि मैं लेबल करूं या मैं होलसेलर से लूं, आप डिजिटल प्रोडक्ट प्लान कर सकते हो, ई बुक प्लान कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग प्लान कर सकते हो, सॉफ्टवेयर प्लान कर सकते हो। और पांचवा तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, उसके लिए जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट बने, उसको ये दिमाग चलाना है कि वो प्रोडक्ट्स को कैसे अलाइन करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी बहुत अच्छे टीचर को जानते हो, पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, आप बोलो आपकी टीचिंग अच्छी, आप टीचिंग पे फोकस करो, मैं बिजनेस साइड पे फोकस करूंगा, इसको ऑनलाइन लेके जाएंगे, तेरी कोडिंग बहुत अच्छी है, तू ऐप बना, बेचने वाले पार्ट में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको बेचूंगा। ऐसे में आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगे, आप कई सारे लोगों के साथ मिलके पार्टनरशिप्स कर पाओगे, काम कर पाओगे और अपने ई कॉमर्स को बिल्ड कर पाओगे। और जब आपका प्रोडक्ट फाइनल हो जाए या फिर आपका प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी फाइनल है, तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। हमारे नाना दादा के टाइम पे चलता था, बिजनेस शुरू कर दिया, किसी का चल गया, किसी का डूब गया। आज की डेट में मॉडर्न जनरेशन प्लान के साथ चले। क्विक ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूं। जब आप ये गाइड देख लो, अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लो, तो एक शीट पकड़ो, उस पर अपना नाम लिखो, डेट डालो और मेरे बिजनेस का नाम क्या है या क्या होगा, क्या है मेरा प्रोडक्ट और क्या है मेरी टारगेट ऑडियंस, किसको मैं बेचना चाह रहा हूं, मेरा बिजनेस क्या है और ये क्या पर्पस सॉल्व करता है और किस तारीख तक मैं इसमें रिजल्ट्स लेके आऊंगा ही आऊंगा और कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपने बिजनेस को सेट करने के लिए करनी है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप अपने बिजनेस को चार तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। शुरुआत में अगर आप अकेले शुरू कर रहे हो तो आप एज अ सोल प्रोपराइटर शुरू कर सकते हो। सोल प्रोपराइटर मतलब अकेले ही बिजनेस शुरू करने वाला, अकेले बिजनेस का मालिक। इसमें कोई खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई खास फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप बहुत जल्दी अपना बिजनेस डे वन पे शुरू कर सकते हो। उसके बाद जरूरत के साथ साथ जब आपका बिजनेस ग्रो हो रहा हो, जरूरत के हिसाब से आप एक्सपैंड कर सकते हो। जब ग्रोथ होगी तो आप सीए को हायर कर सकते हो, सीए से डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टनर इन्वॉल्व हो रहा है तो पार्टनरशिप रजिस्टर कर सकते हो। इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। शुरू में आपको जीएसटी भी मैंडेटरी नहीं है, ले लो, आपकी मर्जी है, मैंडेटरी नहीं है। 20 लाख की सेल के बाद आप जीएसटी ले सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूं, ग्रोथ के साथ साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। अब ऐसे ही अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट है, आपका ई बुक है या वर्चुअल प्रोडक्ट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो कोई खास सर्टिफिकेट्स, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। फूड प्रोडक्ट है तो लाइसेंस चाहिए होते हैं। अगर कोई मेडिकल प्रोडक्ट है तो बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो उस पे डिपेंड करेगा। ऐसे आप अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हो या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो ट्रेडमार्क जरूरी है, कल को कोई आपका नाम ना चुरा ले तो वहां पे ट्रेडमार्क भी अप्लाई करना होगा। बट शुरुआत आप कर सकते हो एज अ सोल प्रोपराइटर। जब बिजनेस ग्रो करता जाए तो डिस्कस करते जाओ, सीए से समझते जाओ और चीजों को एक्सपैंड करते जाओ, चलते जाएंगे, रास्ता खुलता जाएगा। अब ई कॉमर्स के बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कहां पे लोग आके प्रोडक्ट देखेंगे, चूज करेंगे, खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, कहां पे आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, आपकी दुकान पे यानी कि वेबसाइट। बहुत सारे लोगों को ना वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे याद है एक लड़के ने मुझे कहा था कि सर गर्लफ्रेंड बना लूंगा, वेबसाइट बनानी मुश्किल है। जबकि ऑनेस्टली वेबसाइट बनाना सिर्फ 10 मिनट का काम हो सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक डोमेन और एक होस्टिंग। जिनको नहीं पता कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन एक तरह का आपका एड्रेस है और होस्टिंग एक तरह का वो प्लॉट है, वो स्पेस है। एक एग्जांपल लेते हैं, सीखेगाइंडिया.com। मुझे इस साइट पे जाना है, मैंने एड्रेस डाला सीखेगाइंडिया.com, मैं वहां पहुंच गया और वहां पे जो चीजें मुझे नजर आ रही है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई फोटो नजर आ रही है, कोई डील है, कोई कोर्स है, कोई पेमेंट ऑप्शन है, ये सब क्या है, ये स्पेस के अंदर हो रहा है। इसी तरह से जब आप अपनी ऑनलाइन स्टोर बनाओगे तो एक एड्रेस होगा यानी डोमेन, जो आप लोगों को बताओगे, जिसके थ्रू लोग आप तक पहुंचेंगे।
और जहां पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे, कैटलॉग होगा, पेमेंट की ऑप्शंस होंगी, जहां पे इंफॉर्मेशन होगी, वो सब कहां होगा? स्पेस पे, यानी होस्टिंग पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप जहां से भी डोमेन और होस्टिंग ले रहे हो वो रिलायबल हो, वो ट्रस्टवर्दी हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने बहुत मेहनत से साइट बनाई, उसको सजाया, आपने मार्केट किया, आपने प्रोडक्ट्स रखे, आपके सपने इसके साथ जुड़े हैं, आपका बिजनेस इसके साथ जुड़ा, इनकम जुड़ी, लेकिन साइट में बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर आया प्रोडक्ट ले ही नहीं पा रहा, आप कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करते हो कि यार मेरी साइट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको सपोर्ट अच्छी नहीं मिल रही, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, आप डिस्करेज हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना डोमेन और होस्टिंग किसी रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर से ही लो, किसी ट्रस्टवर्दी सर्विस प्रोवाइडर से ही लो। चॉइस आपकी, आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर मेरी सजेशन लो तो मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि होस्टिंगर पे मैंने अपनी कुछ वेबसाइट्स होस्ट करी हैं, उनको एक्सपीरियंस किया है, उनकी सर्विसेज को एक्सपीरियंस किया है, और अब वो हमारे इस चैनल के नॉलेज पार्टनर भी है। आपको मैं होस्टिंगर इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी बेस्ट चीज ये लगती है कि प्रीमियम सर्विसेज और अच्छी कस्टमर सपोर्ट आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलती है। तो चलिए इसका भी आपको एक ट्यूटोरियल देता हूं कि कैसे आप डोमेन ले सकते हो, होस्टिंग ले सकते हो, कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। हर चीज आपको लाइव बनाकर दिखाता हूं, राइट हियर राइट नाउ, अभी के अभी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा, इसको क्लिक करके हम होस्टिंगर की वेबसाइट पर पहुंच गए। आप देख सकते हो यहां पर एक ऑफर भी चल रहा है और नीचे आपको मिलेंगे प्लान्स, कई तरह के प्लान्स यहां पे है। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड रहेगा प्रीमियम वेब होस्टिंग, इन्होंने भी इसको बेस्ट वैल्यू प्लान माना है। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको इसके अंदर, एडवांटेजेस और फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि 100 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हो, 100 GB की SSD स्टोरेज है, मंथली विजिट्स भी आपको अच्छे खासे इसमें मिल जाते हैं। सो बहुत सारे फीचर्स आपको इस प्लान के अंदर मिल जाएंगे। आप ये भी देख सकते हो कि जो हमें 149 में मिल रहा है वो एक्चुअली में 459 में है, और आपको यहाँ पे वर्डप्रेस भी मिल रहा है जो ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए एक रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म है। एंड क्योंकि मैं खुद होस्टिंगर यूज़ करता हूँ और मेरा मानना है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना तो हमें उसमें सपोर्ट मिलनी चाहिए, और मुझे होस्टिंगर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि 24/7 365 days इनकी सपोर्ट मिलती है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको डोमेन जो है वो फ्री मिलता है, और अगर आप 48 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको डोमेन तो फ्री मिलता ही है, साथ में लाइफ टाइम SSL और DDoS प्रोटेक्शन मिलती है। सो करना क्या है, जो भी वेब होस्टिंग आप चूज करते हो आप उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे पीरियड चूज करना है, 1 month, 12 month, 24 month, 48 months। मैं सजेस्ट करूंगा 48 months क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बाकी चॉइस आपकी। सो टाइम पीरियड हमने चूज कर लिया, अब यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और थर्ड स्टेप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना है, पेटीएम की ऑप्शन, यूपीआई की ऑप्शन, नेट बैंकिंग, सारी ऑप्शन यहाँ पे, मैं अभी यूपीआई करता हूँ। और आप देखो आपको यहाँ पे नजर आएगा हैव अ कूपन कोड, जहां पे आप कूपन कोड HM7 यूज कर सकते हो, इससे आपको एक डिस्काउंट और मिल जाएगा। सो आप देखो इस कॉस्ट में हमें 48 मंथ्स के लिए होस्टिंग मिल रही है, डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, SSL सर्टिफिकेशन मिल रही है, और क्लाउडफेड CDN मिल रहा है, एंड टोटल डिस्काउंट हमारा इसमें 70% हो गया। पेमेंट सेट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। तो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आपको आपके लिए राइट सोल्यूशन मिल जाएगा। So I'm creating a website for myself. It will be a online store. It will be an online store. हालांकि मुझे वेबसाइट बनाने में एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे मैं वो ऑप्शन चूज कर रहा हूँ जो हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स की हो, कि आई एम क्रिएटिंग माई फर्स्ट वेबसाइट। सो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म चूज करना है, और मैं WooCommerce चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे WooCommerce सिलेक्ट करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि WordPress अकाउंट बनाना है, और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है कि आप कोई टेम्पलेट उठा सकते हो, बने बनाए डिजाइन हैं, बनी बनाई लुक्स हैं, जिसके रिलेटेड आपको अपनी वेबसाइट लगती है वैसा आप पिक कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टी के रिलेटेड स्टोर बनाते हैं, तो मुझे सिंपली नेचुरल और ऑर्गेनिक स्टोर, ये दोनों डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं ऑर्गेनिक स्टोर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें अपनी वेबसाइट का नाम रजिस्टर करना है, क्योंकि हमारे पास एक डोमेन नेम फ्री हमें मिला है, इसलिए मैं उसको क्लेम करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट दबाऊंगा, और जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल tvilla.com। अगर ये अवेलेबल होगी तो ये मुझे बता देंगे। सो tvilla.com इज अवेलेबल, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। इसके बाद हमें डोमेन को रजिस्टर करना होता है, कंट्री, तो जो जो ऑप्शंस आपको आएंगे वो आप डालते जाइए। तो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल के मैं रजिस्ट्रेशन को फिनिश कर रहा हूं। तो यहां पे आपको 2 से 3 मिनट में आपका टेम्पलेट वेबसाइट सब कुछ लिंक कर रहा है ये खुद से, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। आप बैठ के अपनी टी पी सकते हो, क्योंकि हम टी की स्टोर बनाने वाले हैं।
तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट रेडी है, हम अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, उसके डैशबोर्ड में जाके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार पहले नज़र डाल लेते हैं। तो thetvilla.com पे वो वाला थीम, वो वाला डिज़ाइन लग चुका है। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ बदल सकते हैं इस डिज़ाइन को यूज़ करते हुए या बदलते हुए, जिसके लिए हमें वर्डप्रेस मैनेज पे जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने एडिट वेबसाइट पे क्लिक किया, अभी के लिए मैं लीव ऑनबोर्डिंग करके सीधा डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ। अब वर्डप्रेस आपके लिए वेबसाइट को बनाना, डिज़ाइन करना, चेंज करना, प्रोडक्ट्स ऐड करना बहुत ही आसान कर देता है। सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, प्रोडक्ट्स को ऐड करने की, वेबसाइट के अपीयरेंस को, उसका कुछ थीम आपको बदलना हो यानी डिज़ाइन बदलना हो, अभी हमने एक पिक किया, आप कोई और थीम ले सकते हो, कई सारे थीम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे चीज़ें पता चलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पेजेस में गया तो यहाँ पे मुझे जितने भी मेरे पेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। मुझे होम पेज को एडिट करना है, हमारे मेन पेज को एडिट करना है, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया। मुझे यहाँ पे जिस भी चीज़ को एडिट करना है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, इमेज को चेंज कर सकते हैं। सो मेरी वाइफ का जो वेंचर है आई एम वाओ, उन्होंने एक टी लॉन्च करी है, नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी, उसका प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे मैं अपडेट दबा सकता हूँ। अब देखो जैसे जैसे मैं वहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ मेन वेबसाइट पे, thetvilla.com पे साथ ही वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे अपेयरेंसेज में जाके, कस्टमाइज में जाके मैं लोगो चेंज कर दूंगा, पूरी साइट पे लोगो चेंज हो जाएगा। मैं ये सारी ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रही हैं इनको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और पूरी साइट पे वो चेंज हो जाएंगी। जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा एंड पब्लिश, और देखा आपने लोगो चेंज्ड। इसी तरह से प्रोडक्ट्स में जाके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, प्राइस सेट कर सकता हूँ, टैग्स लगा सकता हूँ, और काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वूकॉमर्स में आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, होस्टिंगर के चैनल पे आपको इसके कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कैसे ये इजी टू यूज़ है, आप इसको खुद से कर सकते हो, कोई कोडर कोई डिज़ाइनर आपको नहीं चाहिए। इसको धीरे धीरे आप और समझते जाओगे और इसमें आपकी एक्सपर्टीज बनती जाएगी। मेरी एक और वीडियो है कि वेबसाइट कैसे बनाएं और वेबसाइट से कैसे कमाएं, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो से भी फायदा ले सकते हैं। अब आपकी साइट जब रेडी हो गई, प्रोडक्ट आपने उस पर डाल दिया, अब व्हाट नेक्स्ट? अगर किसी को प्रोडक्ट लेना है तो हमें उससे पैसा लेना है, राइट? ट्रांजैक्शन जरूरी है, तभी तो कॉमर्स होगी ना, सिर्फ ई रह जाएगा वरना। तो यहां पे आपको पेमेंट कैसे लेनी है उसके कई ऑप्शंस आपके पास। जैसे कि मैं कहता हूं कि शुरू करने वक्त हमें किसी चीज की वेट नहीं करनी, स्टार्ट करने वक्त कोई बहाना नहीं। हमारे पास पेटीएम है, हम पेटीएम का लिंक डाल सकते हैं, हमारे पास यूपीआई, हम यूपीआई का लिंक डाल सकते हैं, डे वन पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप, बहुत मुश्किल नहीं है, आप किसी पेमेंट गेटवे के साथ टाई अप कर सकते हो, बहुत इजी है, वो खुद आपकी हेल्प करते हैं। इंडिया में कई पेमेंट गेटवेज है, जैसे सुने भी होंगे इंस्टामोजो, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, पेयू। आप इनके साथ जब टाई अप करते हो तो आपको ये लिंक दे देते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, और वहां से कस्टमर के पास ऑप्शंस बढ़ जाती है। वो चाहे तो क्रेडिट कार्ड से पे करे, चाहे तो डेबिट कार्ड से पे करे, चाहे तो वॉलेट से पे करे, चाहे यूपीआई से पे करे, कई सारी ऑप्शंस कस्टमर को मिल जाती है। पेमेंट ट्रांजैक्शन सिक्योर्ड रहती हैं, कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको पेमेंट गेटवे के साथ। तो आप पेमेंट गेटवे तो लगा सकते हो, आप सीओडी की ऑप्शन भी दे सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी। इसके लिए आपके जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, जो आपके सामान को पहुंचा रहे हैं, उनके साथ आपका ये टाई अप होता है सीओडी का। तो पेमेंट हमें क्लियर है, पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, डे वन पे हम अपना वॉलेट मोबाइल लगा सकते हैं, और सीओडी के लिए लॉजिस्टिक पार्टनर से बात कर सकते हैं। अब हम लॉजिस्टिक्स को समझते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लॉजिस्टिक्स, कैसे हमारा सामान पहुंचेगा कस्टमर तक। अब आगे हम लॉजिस्टिक्स पे, लॉजिस्टिक्स मतलब कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, स्पेशली अगर हमारा फिजिकल प्रोडक्ट्स का काम है, कोई मोबाइल है, कोई वायर है, कोई गारमेंट है, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई मसाला है, तो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, ऑर्डर उसने दे दिया, पहुंचाना कैसे है? यहां पे आता है लॉजिस्टिक्स। देखो बार बार बोलता हूं कि डे वन पे तो हमें शुरू करना है, पहले दिन तो हम खुद प्रोडक्ट को पैक करके कोरियर वाले को बुला सकते हैं, कोरियर पे जा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना शुरू हो, हमें किसी चीज की वेट नहीं करनी। मैंने भी शुरू में ये किया था, जब हमने अपनी बुक लॉन्च करी थी, शुरू में खुद ही पैक कर रहे थे, कोरियर कर रहे थे, लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली हमें हमेशा एक्सपर्ट्स के साथ चलना चाहिए। जैसे वेबसाइट बनाने के लिए हमें कोडिंग सीखना, हर चीज नहीं, एक्सपर्ट टूल यूज करा, बिजनेसमैन को अपना टाइम बचाना, एक्सपर्ट टूल यूज करा, जल्दी साइट बनाई। इसी तरह से पेमेंट गेटवे के लिए एक एक बैंक से टाई अप करने की जगह पेमेंट गेटवे से टाई अप किया, सारे बैंक हमारी साइट पे आ गए। अब लॉजिस्टिक्स में भी आप यही कर सकते हो, आप कोरियर की सरदर्दी, मतलब कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा, ट्रैक किया नहीं किया, संभालना कैसे, पहुंचाना कैसे है, आप लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ टाई अप कर सकते हो। इंडिया में कई लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं, डेलीवरी है, शिप रॉकेट है, फेडेक्स है, ब्लू डार्ट है,
DHL Express Bees e-cart आप अपने एरिया के हिसाब से और इनकी प्राइसिंग के हिसाब से लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ टाई अप कर सकते हैं। और इनमें से ही कुछ पार्टनर्स आपके लिए सीओडी की सर्विस देंगे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। वो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उनसे कैश लेंगे और आपको कुछ अपनी फीस रखेंगे और आपको आपके पैसे दे देंगे। अब आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट, मार्केटिंग। हमने साइट बना ली, हमारे पास प्रोडक्ट है, अब उसको बेचने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। एक तो आप करोगे, एक तो हमारे पेरेंट्स ही कर देंगे ना, या हमारे जिनको हम पे प्राउड है वही कर देंगे, हमारे बेटे ने, हमारी बेटी ने नया ये साइट बनाई है, एक बार देखिएगा। अभी ये तो होगी शुरू वाली मार्केटिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आप भी कुछ फ्रेंड्स को कह दोगे, व्हाट्सएप पे अपने सर्कल को बता दोगे, बताना भी चाहिए। बी प्राउड ऑफ योर बिजनेस, शर्माना मत यार, लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे। बी प्राउड ऑफ योर बिजनेस, व्हाट्सएप की स्टोरीज में लगाओ, व्हाट्सएप में अपने ग्रुप्स में बताओ, अपने आसपास आपके रिलेटिव्स आपकी सोसाइटी में पता होना चाहिए कि आपने कुछ किया है। अगर आप ही अपने बिजनेस को लेकर प्राउड नहीं फील कर रहे, उसके बारे में बता नहीं रहे, लोग क्या बताएंगे, राइट? सो पहला स्टेप तो ये कर ही लोगे आप। अब दूसरी चीज, फिर से कहूंगा कि हमें किसी चीज की वेट नहीं करनी। देखो मार्केटिंग में स्पेंड करने को तो करोड़ों रुपए भी कम है, शाहरुख खान को भी ला सकते हो, आईपीएल भी स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर हमारी वो स्टेज है कि हम करना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है हर मेहनत करने वाले के लिए, वो है सोशल मीडिया, वो है YouTube। हम कैसे कनेक्टेड है, आप मेरे साथ कैसे कनेक्टेड हो, मैं अपनी बात आपको कैसे पहुंचा पा रहा हूं YouTube के थ्रू, या फिर Instagram पे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, या Facebook पे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो। यही चीज आप भी तो करो, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो ऑडियंस है उस तक पहुंचने के लिए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियोस डालो, पोस्ट डालो, ट्यूटोरियल्स डालो, फायदे डालो, यूट्यूब पे कंटेंट डालना शुरू करो, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना शुरू करो। आपको लाखों सब्सक्राइबर्स डे वन पे नहीं चाहिए ना, आपको उस प्रोडक्ट की ऑडियंस चाहिए। कम फॉलोअर्स हो, कम सब्सक्राइबर हो, कम व्यूअर्स हो, लेकिन आपकी आपकी ऑडियंस हो तो आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो डे वन पे किसी चीज की वेट नहीं करनी, आप सोशल मीडिया की पावर को यूज करो, आप यूट्यूब की पावर को यूज करो, आप अपनी वेबसाइट की SEO करो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको इस तरीके से लिखो, उसके अराउंड ब्लॉग्स लिखो, उसके कीवर्ड्स जैसे लिखो, क्योंकि गूगल पे सर्च करे तो आपकी वेबसाइट आए। शुरू में ये आपको खुद करना पड़ सकता है, शुरू में खुद कर भी लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में आप इसके लिए एजेंसीज हायर करो, इंटर्न हायर करो, सोशल मीडिया मैनेजर हायर करो। हर चीज एक बिजनेसमैन को बाद में डेलीगेट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता जाए फिर पेड मार्केटिंग करो, एड्स करो, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, फिर तो चाहे आप सड़क पे होर्डिंग्स लगा दो, आप आईपीएल स्पॉन्सर कर दो, लेकिन शुरुआत करने में वेट नहीं करनी। सोशल मीडिया, यूट्यूब, SEO की पावर को आप यूज कर सकते हो डे वन पे। मार्केटिंग वाले चैप्टर को क्लोज करूंगा एक लाइन से कि ऐसी कई एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की पावर को यूज करके फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। ये चॉइस आपकी है, ये डिसीजन आपको लेना है कि मैं कर सकता हूं तो क्यों और मैं नहीं कर सकता हूं तो क्यों। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग वीडियो के लास्ट तक आते हैं वो लाइफ में कुछ करने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीरियस होते हैं। इसलिए मेरी तरफ से अपने आप को एक शाबाशी जरूर देना। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया, मैंने आपके साथ ब्लूप्रिंट शेयर किया, मैंने आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर किया, कई लिंक्स दिए, कई नाम दिए, कई रेफरेंसेस दिए, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हो। कुछ लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं जिससे आप डिजिटल बिजनेसेस के बारे में अगर और सीखना चाहें और समझना चाहें तो सीख सकते हैं। होस्टिंगर से वेबसाइट लेने के लिए, अपना डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में मेरा यूनिक कोड भी मिल जाएगा। कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। हमेशा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।